हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ टॉप 5 एडॉन्स जो आपके माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को जावा एडिशन में कन्वर्ट कर देंगे, और ये सारे 1.18 में वर्क करने वाले हैं। आपने जो इनमें से कुछ एडॉन होंगे जो आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे, जावा एडॉन्स ऐसे कुछ जावा एडॉन्स है जो आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक है 20 और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे कंटेंट के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। नंबर 5, रिपेयरेबल आयरन गोलम। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप जानते होंगे माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में आप आयरन गोलम को रिपेयर कर सकते हो। अब आप माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में इसको रिपेयर कर पाओगे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस आयरन गोलम को डैमेज कर दिया है, और उसके अगर बाद मैं इसको रिपेयर करूँगा तो ये काफ़ी आसानी से रिपेयर हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप खुद देख पा रहे हैं जो आयरन गोलम है किस तरीके से यहाँ पर डैमेज हो रहा है। और उसके बाद जैसे आप इसके ऊपर अगर आयरन आप इंगेट रखोगे तो आपको नीचे रिपेयर का एक बटन दिखेगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपका जो आयरन गोलम है वो रिपेयर हो जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। और एक काफी अच्छा एडॉन, आप जरूर इसे ट्राई करें, एकदम जावा जैसी फीलिंग देने वाला है आपको। नंबर 4, डिबग स्क्रीन एडॉन। तो यहाँ पे आपको एक F3 का बटन देने वाला है, और उस F3 के बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपके सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला है, जैसे एकदम जावा एडिशन की तरह बताता है वैसे आपको माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ये बताने वाला है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। अभी मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट्स भी ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट चालू कर दिए, और उसके बाद यहाँ पे पोजीशन में आप देख सकते हो मेरे कोऑर्डिनेट्स भी दिखा रहा है मुझे। जैसे अभी मैं अगर आप नीचे जाऊँगा तो आपको अंडरग्राउंड लेवल भी दिखाएगा, 67 हो चुका है, और जैसे मैं ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 68 हो चुका है, 69, 70। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिलने वाला है यूज़ इसका, और यहाँ पे आपको सारे ब्लॉक दिखा देगा, विलेज में हो ना हो वो सब भी दिखाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में आपको इनपुट टाइप टॉर्च ये सब कुछ दिखाने वाला है, सारी चीज़ आपको दिखाने वाला है। काफ़ी अच्छा एडॉन है, इसको डाउनलोड करना आपको बनता है, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना, और ये 1.18 में वर्क करने वाला है। नंबर 3, ट्राइबल ट्विक्स। तो ये एकदम आपको ऑप्टिफाइन वाली लुक देने वाला है, और ये काफ़ी अच्छा, इसमें बहुत सारे आपको जावा के मॉड मिलने वाले हैं, तो वो मैं आपको 1 by 1 दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुल ग्रास का टेक्सचर मिलने वाला है, फोर चारों तरफ ग्रीन ग्रास मिलने वाली है, और यहाँ पे आप डोर्स देख सकते हो आपको डोर्स कैसे मिल रहे हैं, और डोर्स एकदम आपको ट्रांसपेरेंट कनेक्टेड मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे आपको कनेक्टेड ट्रैप डोर्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको जो ग्लास है वो भी कनेक्टेड मिलने वाली है, और ये काफ़ी अच्छा है, आपका थोड़ा बहुत लैग फिक्स कर देता है क्योंकि इसमें एकदम ऑप्टिफाइन जैसा यूज़ है, तो ये थोड़ा लैग भी फिक्स कर देता है। तो अभी मैं आपको थोड़े से TNT फोड़ के भी दिखा देता हूँ। उससे पहले आप यहाँ पे पूरे देख सकते हैं सीनरी आपको कैसा लग रहा है, कैसा यहाँ पे लैंडस्केप लग रहा है पूरा, आपको यहाँ पे पूरा क्लियर आपको यहाँ पे मिलने वाला है कनेक्टेड ग्लास, और बहुत कुछ आप वेबसाइट पे देख सकते हो इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे भी मैं आपको TNT फोड़ के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे TNT लगा लिया और उनको अब फोड़ लिया है, तो यहाँ पे आप खुद देख पाओगे जो आपको लैग मिलने वाला है, आपको 0 लैग मिलने वाला है, और काफ़ी अच्छा एडॉन है। अभी आपको इसमें यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ पे आपको नंबरिंग भी मिलने वाली है, जो अपने यहाँ पे लेन है जहाँ पे आप आइटम रखते हो उसमें नंबरिंग भी मिलने वाली है, और यहाँ पे आपको जो क्लियर UI मिलने वाली है, एकदम क्लियर UI आपको मिलने वाली है, काफ़ी यूजफुल है, इससे आपका लैग 0 हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा एडॉन है, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना। नंबर 2, F1 बटन। अगर आप यहाँ पे एक यूट्यूबर हो या अगर आप यूट्यूबर नहीं हो तो भी आपको इस F1 बटन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती होगी, काफ़ी समय आपको इसको स्क्रीनशॉट लेने होते होंगे या आपको सीनिक व्यू लेना होगा, आपको पूरा व्यू देखना होगा, उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल साइड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर F1 बटन मिलने वाला है, और जैसे आप इस F1 बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो UI है वो आपका यहाँ पे HUD है वो हट जाएगा, और जैसे उस F1 बटन पर वापस क्लिक करोगे उसी जगह पर वापस क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वापस आपको अपने नॉर्मल HUD मिल जाएगी। आप यहाँ पर जैसे उसी जगह आपको आपको क्लिक करना है। नंबर 1, जावा UI। तो यहाँ पे आपको 1.18 के लिए मैं जावा UI देने वाला हूँ, और इसमें आप देख सकते हो पूरा आपको यहाँ पे लुक चेंज हो चुका है माइनक्राफ्ट जावा एडिशन प्ले गेम। यहाँ पे आपको मैं अचीवमेंट ऑन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेम अचीवमेंट का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको इतने सारे जो आपको नॉर्मल पॉकेट UI मिलती थी वैसे यहाँ पे आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको मैं एक वर्ल्ड क्रिएट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको फटाफट से एक वर्ल्ड क्रिएट करके दिखा देता हूँ, न्यू वर्ल्ड कर लेता हूँ, और यहाँ पे वो क्रिएट न्यू करके मैं आपको एक नया वर्ल्ड क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 मोड मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आपको सर्वाइवल क्रिएटिव जैसा सेम आपको मिलता है वैसे आपको मिलने वाला है। और फिर मैं यहाँ पे नीचे सिंपली क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो आपका वर्ल्ड क्रिएट होने वाला है एकदम जावा जैसा क्रिएट होने वाला है, आप खुद देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे जावा जैसे आप यहाँ पे वर्ल्ड क्रिएट कर पाओगे। तो इस वर्ल्ड को क्रिएट होने देते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो वर्ल्ड है वो लोड हो चुका है, और ये लोड होने में उतना टाइम लेता है जितना आपके नॉर्मल माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में लेता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है। और यहाँ पे आपके सारे सीडर्स वर्क करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री में क्लिक किया है, यहाँ पे आप पूरी इन्वेंट्री आपको जावा जैसे मिलने वाली है, और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन भी मिलने वाला है। और एक तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कैसी यूआई पूरे मतलब यहाँ पे यूआई मिलने वाली है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इसी तरीके से आप इसको आर्मर भी पहना पाओगे कैरेक्टर को, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो अभी आपको मैं सेटिंग्स में जाके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको ऑप्शन में जाके यहाँ पर आपको सेम सेटिंग्स मिलने वाली है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो प्रोफाइल, यहाँ पे प्रोफाइल देख सकते हो, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ऑडियो आपको मिलने वाला है, ऑडियो भी कुछ इस तरीके का, वीडियो में भी आपको कुछ इसी तरीके से सेम मिलने वाला है जावा जैसा। और ये काफ़ी अच्छा एडवान है, मतलब बहुत अच्छा, अगर आपको जावा एडिशन में कन्वर्ट करना वाली 1.18 में वर्क कर रहा है, मैं 1.18 में खेल रहा हूँ जैसे मैं आपको पहले दिखाया था, तो ये काफ़ी अच्छा एडवान, आपको जरूर से इसको डाउनलोड करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको जरूर इसे डाउनलोड कर लेना। तो गाइज यही थे कुछ टॉप 5 जावा एडॉन्स, बताना आपको कौन सा एडॉन फेवरेट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे कंटेंट के लिए मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।